बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनाम खान और आप देख रहे हैं के पी के बाय एंड सेल। इस चैनल पर आप दोस्तों को मुख्तलिफ गाड़ियां जो बराए फरोख्त होती है देखने को मिलेगी। तो आपसे गुजारिश यही करते हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। आज जो गाड़ी आपके लिए लेकर आए हैं टोयोटा GLI 2010 मॉडल है, जो बाहर से भी ओरिजिनल है और अंदर से तो 100% ओरिजिनल सील पैक है। इस गाड़ी के अंदर कोई शावर वगैरह मौजूद नहीं है। अलॉय रिम, बेहतरीन टायर आप दोस्तों को मिलेंगे। फ्रंट लुक आप इस गाड़ी की मुलाहिजा कर सकते हैं। ओनर के मुताबिक ये गाड़ी लाहौर रजिस्टर है। मुकम्मल कागजात इस गाड़ी की अवेलेबल है। टोकन टैक्स अपडेट है। ओरिजिनल नंबर प्लेट्स भी आप दोस्तों को मिल जाएंगे। इंजन की कंडीशन आप खुद मुलाहिजा कर सकते हैं। पावरफुल, साउंड लेस और बेहतरीन इंजन इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, जो 1300 CC इंजन है। ओनर के मुताबिक अंदर से गाड़ी आपको दिखा देते हैं। माशाल्लाह साफ सुथरा डिशबोर्ड इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। LCD म्यूजिक सिस्टम भी आप दोस्तों को मिल जाएगा। ओनर के मुताबिक मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के अलावा गाड़ी मुकम्मल पावर है। तो अक्सर लोग पावर गाड़ियां पसंद करते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर आपको पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, पावर मिरर मौजूद और वर्किंग कंडीशन में मिलेगा। ओनर के मुताबिक मुस्तफ़ा टाउन लाहौर इस गाड़ी की मौजूदा लोकेशन है। अगर आप दोस्त विजिट करना चाहे तो रابطہ नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप ओनर से रابطہ करने के बाद गाड़ी को मुस्तफ़ा टाउन लाहौर में विजिट भी कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर कोई जंग वगैरह मौजूद नहीं है। साफ सुथरी और फ्रेश कंडीशन में अगर किसी को GLI 2010 मॉडल चाहिए तो ये एक बेहतरीन चांस आप दोस्तों के पास है। ओनर ने जो मुझे इस गाड़ी की डिमांड बताई है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करा दी गई है, जो बिल्कुल भी फाइनल नहीं है। इंशाल्लाह इस डिमांड में मजीद कमी पेशी भी हो जाएगी बारगेनिंग के बाद। आप दोस्त मुकम्मल तसल्ली करने के बाद और गाड़ी को खुद चेक करने के बाद ये इन साहब से ख़रीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।